चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आत्मचिंतन के क्षण उन्नति कोई उपकार नहीं है जो छत फाड़कर अनायास ही हमारे घर में बरस पड़े। उसके लिए मनुष्य को कठोर प्रयत्न करने पड़ते हैं और एक मार्ग पर अवरुद्ध हो जाए तो दूसरा सोचना पड़ता है। गुण, योग्यता और क्षमता ही सफलता का मूल्य है। जिसमें जितनी क्षमता होगी उसे उतना ही लाभ होगा। मौन प्रकृति का शाश्वत नियम है। चांद, सूरज, तारे सब बिना कुछ कहे सुने चल रहे हैं। संसार का सबसे महत्वपूर्ण कार्य मौन के साथ ही पूर्ण होता है। इसी तरह मनुष्य भी जीवन में कोई महान कार्य करना चाहे तो उसे एक लंबे समय तक मौन का अवलंबन लेना पड़ेगा, क्योंकि मौन से ही शक्ति का संग्रह और उद्रेक होता है। इस संसार की रचना कल्प वृक्ष के समान नहीं है कि जो कुछ हम चाहे वह तुरंत ही मिल जाया करे। यह कर्मभूति है जहाँ हर किसी को अपना रास्ता आप बनाना पड़ता है। अपनी योग्यता और विशेषता का प्रमाण प्रस्तुत किए बिना कोई किसी महत्वपूर्ण स्थान पर नहीं पहुँच सकता। यहाँ हर किसी को परीक्षा की अग्नि में तपाया जाता है और जो इस कसौटी पर खरा उतरता है उसी को प्रामाणिक एवं विश्वस्त माना जाता है। जो सत्य है उसे साहस पूर्वक निर्भक होकर लोगों से कहो, उससे किसी को कष्ट होता है या नहीं इस ओर ध्यान मत दो। दुर्बलता को कभी प्रश्न मत दो। सत्य की ज्योति बुद्धिमान मनुष्य के लिए यदि अत्यधिक मात्रा में प्रखर प्रतीत होती है और उन्हें बहा ले जाती है तो ले जाने दो। वे जितना शीघ्र बह जाए उतना अच्छा ही है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, जय गुरुदेव। नमस्कार मित्रों, ऋषि चिंतन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आत्मचिंतन के क्षण विपद समय को शिक्षा देने आती है। इससे हृदय में जो पीड़ा, आकुलता और छल कपटता होती है उससे चाहे तो अपना सदज्ञान जागृत कर सकते हैं। भगवान को प्राप्त करने के लिए जिस साहस और सहन शक्तिता की आवश्यकता होती है, दुख उसकी कसौटी मात्र है। विपत्तियां की तुला पर जो अपनी सहन शक्तियों को तोलते रहते हैं, वही अंत में विजयी होते हैं। उन्हीं को इस संसार में कोई सफलता प्राप्त होती है। अपने सुख दुख, उन्नति अवनति, कल्याण अकल्याण, स्वर्ग और नर्क का कारण मनुष्य स्वयं है। फिर दुख या आपत्ति के समय भाग्य के नाम पर संतोष कर लेना और भावी सुधार के प्रति अकर्मण्य बन जाना ठीक नहीं है। ऐसी स्थिति आने पर तो हमें यह अनुभव करना चाहिए कि हमसे जरूर कोई भूल हुई है और उस पर पश्चाताप करना चाहिए। महानता मनुष्य के अंदर छिपी हुई है और व्यक्त होने का रास्ता ढूंढती है। यह सांसारिक कामनाओं में ग्रस्त मनुष्य उस आत्मा प्रेरणा को भुला देना चाहता है, टुकराए रखना चाहता है। अपमानित आत्मा चुपचाप शक्ति के भीतर सुप्त पड़ी रहती है और मनुष्य केवल विद्म बनाओ के प्रपंच में ही पड़ा रह जाता है। मनुष्य सुखों की पुण्य फल की इच्छा तो करता है किंतु पुण्य अर्जित नहीं करता है। पाप के दुष्ट परिणामों से डरता है किंतु प्रयत्न पूर्वक करता दुष्कर्म ही है। ऐसी स्थिति रहते हुए भला किसी को सुख मिल सकता है? आम का फल
आम होता है, बबलू नहीं। इसलिए सुख वही प्राप्त कर सकते हैं जिनकी प्रवृत्तियां भी सन्मार्ग गामी होती है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, जय गुरु।